आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न है, प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तित्व लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। आपको बताना है कि इन विकल्पों में से कौन सी प्रेरणाएं हैं जो कि संतुष्टिकरण की अवस्थाएं, जो संतुष्टिकरण की अवस्थाएं होती हैं, उन तक पहुंचने और व्यक्तित्व लक्ष्यों, जो एक इंसान के लक्ष्य रहते हैं, उसके खुद के लक्ष्य, उसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, आपको वो बताना है इनमें से। तो आपके विकल्प हैं, प्रभावी। प्रभावी का अर्थ होता है प्रमुख, जो सबसे ज्यादा प्रमुख होता है, मतलब प्रमुख प्रेरणाएं। तो प्रमुख प्रेरणाएं इसमें नहीं आती हैं। जो व्यक्तित्व लक्ष्य होते हैं, एक व्यक्ति के खुद के लक्ष्य, उसमें प्रमुख प्रेरणाएं नहीं आती हैं। उसके बाद है भावात्मक। भावात्मक प्रेरणाएं अनुभूतियों को संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचाने में हमारी सहायता करती हैं। यह व्यक्तित्व लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित भी करती हैं, ठीक है, उसको भी ये संबोधित करती हैं। भावात्मक प्रेरणाओं का संबंध मनुष्य की जो भावनाएं होती हैं, भावनाओं से होता है। यह व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या प्रदान करती है? प्रेरणा प्रदान करती है, ठीक है। फिर दिया हुआ है संरक्षण उन्मुखी। संरक्षण उन्मुखी मतलब जो हमारे आसपास का वातावरण है उसका संरक्षण करना, क्योंकि वह बहुत जरूरी होता है। तो यह चीज व्यक्तित्व लक्ष्य, जो एक व्यक्ति का लक्ष्य होता है, उसमें नहीं आती है, ठीक है, संरक्षण करना उसमें नहीं आता है। फिर है सुरक्षा उन्मुखी। सुरक्षा उन्मुखी मतलब सुरक्षा करने के लिए जो जो चीजें जरूरी रहती हैं वो आती हैं सुरक्षा उन्मुखी में। तो यह भी आपका सही विकल्प नहीं है, आपका सही विकल्प है भावात्मक। धन्यवाद। क्लासिक्स से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।